हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में BPL B17 की ये जो BP मशीन है, इसमें हम लोग तीन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो इसमें तीन इंडिविजुअल्स की मेमोरी आती है, ए, बी और सी, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, यूनिट या रीडिंग उसमें हम लोग कैसे स्टोर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डेट और टाइम हम लोग कैसे सेट करेंगे, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो होता है यूनिट कन्वर्जन का, मतलब MMHG टू KPA। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेल्थ मित्र पर नए आए हैं तो जल्दी से अपने हेल्थ मित्र को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको सिर्फ हेल्थ मित्र पे ही मिलता है। शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो से, और ये जो BPL की B17 BP मशीन है, इसकी अनबॉक्सिंग और इसमें आने वाले कॉमन एरर्स, उनका भी सेपरेट वीडियो हेल्थ मित्र पे अवेलेबल है। आप जब चाहें उसको भी देख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। शुरू करते हैं आज के वीडियो से, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बैटरीज इसमें पड़ी हुई हैं, उन बैटरीज को आपको बार बार नहीं निकालना है, क्योंकि जितनी बार आप बैटरीज निकालेंगे या दोबारा इंसर्ट करेंगे, उतनी बार आपको डेट और टाइम की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि तीन इंडिविजुअल्स की इसमें रीडिंग हम लोग कैसे देखते हैं। तो ऑफ कंडीशन में यूज़र का बटन आपको बस दबाना है, और बटन दबाने के बाद आप देखिए ये एक सिंबल बन के आ रहा है, और इसे दोबारा से दबाएंगे तो ये ए आ गया, फिर से दबाएंगे तो ये बी आ गया, और फिर से दबाएंगे तो ये तीन डॉट मतलब सी का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का इस मशीन में है। अब अगर आपको ए इंडिविजुअल में रीडिंग स्टोर करनी है, या आपके घर में कोई इंडिविजुअल है सपोज ए, और उसकी आपको रीडिंग लेनी है, तो ए पे आप यहाँ पे सेट कर देंगे यूज़र से ए बी या सी, तो फिर से ए पे हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये स्टार्ट स्टॉप का बटन दबा देना है। तो अब जो रीडिंग आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी ए में स्टोर हो जाएगी। इसे हम बंद कर देते हैं, और अगर कोई पुरानी रीडिंग आपको देखनी है तो इसी पॉइंट पे आपको मेमोरी का बटन दबा देना है, और ए में क्योंकि अभी कोई भी रीडिंग स्टोर नहीं हुई है तो स्क्रीन आपकी पूरी ब्लैंक आ रही है। अब पुरानी रीडिंग देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें शायद मैंने सी में यूनिट स्टोर हुई थी, तो बंद कर देते हैं इसको। यूज़र का बटन हम फिर दबाते हैं बी, और ये जो आया ये इंडिविजुअल आ गया सी। अब अगर आपको इसकी रीडिंग लेनी है तो ये डायरेक्ट सी पे सेट करके स्टार्ट स्टॉप का बटन दबा देंगे, मेजरमेंट शुरू हो जाएगा और रीडिंग इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। लास्ट वीडियो में चूँकि मैंने सी इंडिविजुअल की ही मेमोरी में अपनी रीडिंग स्टोर की थी, तो चेक कर लेते हैं, मेमोरी का बटन दबाते हैं, और ये देखिए 123, 79 और 78 पल्स। ये जो लास्ट टाइम ये रीडिंग आई थी वो सी में अभी भी स्टोर है। उसी प्रकार आप बी में भी देख सकते हैं, और ए में भी इसी प्रकार से आप पुरानी रीडिंग और कैसे आप रीडिंग स्टोर करेंगे वो सब आप देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें डेट और टाइम कैसे सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ऑफ कंडीशन में सेट वाले बटन को हमें दबाना है, और 3 या 4 सेकंड के लिए दबाए रखना है। ये देखिए अब ईयर लिख के आ गया और 24 आ गया। अब इसमें क्या है, अगर आपको ईयर बढ़ाना है तो मेमोरी वाला बटन दबा दीजिए 25, 26, 27, और अगर ईयर आपको कम करना है तो यूज़र वाला बटन दबाएंगे 25, 25 और ये 24। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, 24 पे हमने कर दिया और सेट का बटन दबा दिया। उसके बाद आता है आपका मंथ और डे। तो मंथ अभी अगस्त है, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया, 8 मंथ आ गया। उसके बाद हमने सेट कर दिया, फिर हम इसी हिसाब से डेट भी सेट कर देंगे, जो भी डेट है 18, 19, 20 जो भी डेट है उस हिसाब से आप यूज़र मेमोरियल बटन दबाएंगे तो आगे जाएंगे एक यूनिट, और यूज़र वाला बटन दबाएंगे तो वो आप पीछे आ जाएंगे। तो 21 मैंने इसमें डाल दिया, और उसके बाद भी मैंने इसे सेट कर दिया। इसके बाद आता है टाइम, तो टाइम भी आप डाल सकते हैं 8
और ये जो ध्यान रखना है आपको, ये 12 आवर्स का फॉर्मेट है इसमें, तो एएम और पीएम भी आ जाएगा आपका, जो भी आपका टाइम है उसे आप सेट कर देंगे। सेम फिनोमेना है इसमें, मेमोरी वाले बटन से आगे जाएंगे और यूज़र वाले बटन से आप सेटिंग पीछे करेंगे, एएम पीएम जैसा भी है आपको वैसे सेट कर दिया। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे आपका यूनिट कन्वर्जन आ जाता है अपने आप, जब आप डेट और टाइम सेट कर देते हैं तो उसके बाद अपने आप ही ये स्क्रीन आपको यूनिट कन्वर्जन पे ले आएगी। अब इस समय इसमें डिफ़ॉल्ट है आपका MMHG, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है सभी BP मशीन्स में। अब अगर इसको आपको KPA में करना है तो क्या करना रहेगा, मेमोरी वाला बटन दबाएंगे तो ये देखिए KPA में आ गया, और यूज़र वाला बटन दबाएंगे तो वापस से MMHG में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें MMHG से KPA का कन्वर्जन, सिंगल बटन से आप इसको KPA और वापस से MMHG में ला सकते हैं। ये आपने सेट कर दिया और ये सेट हो गया, इसके बाद आपको इसे यहाँ से बंद कर देना है, और अब जब भी आप रीडिंग लेंगे तो ये MMHG में और इंडिविजुअल सी की ये टाइम और डेट वही है जो एंटर किया था, उस हिसाब से मशीन बिल्कुल अब सेट हो चुकी है अपनी रीडिंग लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, और अब नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर मोपेन ग्लूकोमीटर में एक बहुत कॉमन एरर आ रही है इस समय, वो है ER3, उसका क्या मतलब है और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा, और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।